हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एक नया जॉब अपडेट आया है आप सब लोगों के लिए, दैट इज़ फ्रॉम एनएचपीसी। एनएचपीसी एक पीएसयू है, मिनी रत्न कंपनी है। इस कंपनी की तरफ से जूनियर इंजीनियर की कुछ वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं टेक्निकल फील्ड में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे एग्जैक्टली क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इस वैकेंसी से रिलेटेड, कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, राइट, किन किन ब्रांचेस के लिए ये है आपकी वैकेंसीज, और क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या आपसे एग्ज़ाम पूछा जाएगा, फॉर्म्स की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वैकेंसीज की डिटेल से पहले फॉर्म्स की स्टार्ट डेट, लास्ट डेट। फॉर्म्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं, 1 सितंबर से फॉर्म्स स्टार्ट हुए हैं, लास्ट डेट 30 सितंबर है। लास्ट डेट तक का वेट ना करें, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आज ही अपना फॉर्म फिल करके और अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। वैकेंसीज की बात करें तो कुछ वैकेंसीज हैं जो हमारी फील्ड से हटकर हैं, लाइक सीनियर मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट राज्यसभा ऑफिसर। टेक्निकल वैकेंसीज की बात करें तो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज हैं 3 स्ट्रीम्स में, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों स्ट्रीम्स में ये वैकेंसीज हैं। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो आपसे फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मांग रहा है इन रेस्पेक्टिव इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। एज लिमिट मैक्सिमम 30 इयर्स की है। सिविल की बात करें टोटल वैकेंसी 68 हैं, इलेक्ट्रिकल की टोटल वैकेंसी 34 एंड फॉर द मैकेनिकल 31 वैकेंसीज, राइट। यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें उससे पहले एक बार एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं, दैट इज़ 250 रुपीज़ है। एग्जामिनेशन सेंटर्स भी हम देख लेते हैं, राइट, सेंटर्स आपके इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ में रहने वाले हैं। सेलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सिंपल सा आपका एक एग्ज़ाम होगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फाइनल किया जाएगा फॉर द सेलेक्शन। तो एग्ज़ाम क्या है वो जान लेते हैं। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक ऑनलाइन पेपर होगा, टोटल आपका 3 आवर्स का पेपर होगा, 200 मार्क्स होंगे। 200 मार्क्स में हम बात करें तो टोटल आपके 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं। आउट ऑफ 200 क्वेश्चन 140 एमसीक्यू क्वेश्चन, 140 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे, ब्रांच वाइज होंगे, और रेस्ट ऑफ द 60 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। इस तरीके से टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सिंगल पेपर है जो आपको क्रैक करना है इस वैकेंसी के सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इस पेपर के मार्क्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन योर ज्वाइनिंग, राइट। सो आई होप आप सब लोग जल्दी से अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके, जो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जल्द से जल्द अपने फॉर्म फिल करेंगे और फॉर्म फिल करने के बाद इसकी तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। इसी तरीके से निम्बस लर्निंग चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के डेली बेसिस पर जॉब अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें और आप लोग इसी तरीके से आगे पढ़ाई करते रहें, राइट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, निम्बस लर्निंग, ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.